अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है प्रमेय की पीड़िकाओं की उत्पत्ति। ठीक है, तो उनकी उत्पत्ति कैसे, तो सबसे पहले जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है उपेक्षा से। ठीक है ना, जयनते पीड़िका, उन्हें बोला कि ये मधुमेह की क्या करता है, उपेक्षा करता है। करने वाला ये क्या होता है, सप्त दारुण होता है। सप्त दारुण मीन्स ये सात इंच की जो टाइप्स है उसको ये क्या बोल दिया गया है, सप्त दारुण बोल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या बोलता है कि मांस, ठीक है ना, जो मांसल में क्या है, मांस अव के अव काशेशु, ठीक है, मर्म स्व अपि च संधिषु। ठीक है, मांस में, मर्म में और संधि में, इन तीनों में क्या करता है वो आश्रय होता है। ठीक है, तो मांस, मर्म और संधि, ठीक है, तो वहां जाके क्या करता है, ये कष्टता उत्पन्न करता है। ठीक है, और सात प्रकार के कौन कौन से आ जाते हैं, तो ये नाम नीचे नाम दिए गए हैं, श्राविका, कचपीड़िका, जालनी, सरसपी तथा अलजीविनीता च विद्रदी च एति सप्तमी। ठीक है, ये बताए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, सप्त दारुण वर्ण लिया गया है, तो वैसे क्या है, सप्त एक गण आता है, सप्त गण जो होता है वो कृमि के लिए आता है, सप्त बल जो होता है वो राजक्ष्मा के लिए आता है, सप्त धात्वा जो होता है वो विसर्भ के लिए आता है, सप्तो द्रव्य संग्रह जो आता है वो कुष्ठ के लिए आता है, सप्तो को अय, ठीक है ना, सप्तो को अय तो वो किसके लिए आता है, तो वो शोथ के लिए आता है, शोथ उपद्रव के लिए, शोथ उपद्रव के लिए, नॉट फॉर शोथ, शोथ उपद्रव, ठीक है, उसके लिए आया गया है। अभी हम क्या इसकी जो टाइप्स है उसके एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं कि जो टाइप्स किस किस आचार्य ने कितनी कितनी मानी है। जैसे कि यहाँ पर बताई गई हैं, तो चरक ने 7 मानी है, शुश्रु ने 10 मानी है, वाग्भट जो उन्होंने 10 मानी है, और जो भोज उन्होंने कितनी मानी है, 9 मानी है। पहले हम इसको देखते हैं। उन्होंने बोला कि जो श्राविका, कचपीड़िका, जालनी, जो पहले तीन हैं उसको पहले तो सीरियल ऑर्डर में इसको याद करने की कोशिश करना, मतलब सीरियल कैसे हैं कि जो पहले तीन है ना वो क्या है, कफ और मेद वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों का ध्यान रखना कि ये जो पहले तीन वाले हैं उनको हमेशा आगे ही रखना, मतलब साथ रखना। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो कफ और क्या है, मेद है। ठीक है ना, उसमें क्या है, कफ और मेद आता है। जैसे कि जो बाकी जो चार बचेंगे उसमें क्या है, पित्त प्रबल होता है, और जो अल्प मेद होता है वो क्या होता है, अल्प होता है। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि काल और जो मेद है वो क्या होता है, अल्प होता है। लेकिन पहले इसका नाम याद करते हैं। तो यहाँ पर जो रेड पेन से लिखा हुआ है, एक शक जा, क्या आ जाएगा, शक जा, शक जा, श से आ जाएगा श्राविका, क से आ जाएगा कचपीड़िका, ठीक है, ज से आ जाएगा जालिनी, ठीक है, शक जा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे सर की बीवी होठ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अरे सर की बीवी क्या है, होठ है। तो अरे से क्या हो जाएगा, अ से आ जाएगा अलजी, ठीक है, स से आ जाएगा सरसप, उसका वी वी तो विनीता, और क्या विनता, और क्या आ जाएगा, विद्रदी, ठीक है, विनता और विद्रदी, ये हो गया। याद रखना कि जो ऊपर वाला है तीन वो कौन से आते हैं, कफ और मेदज वाले हैं, उसको दूसहा, उसका जो पर्याय उसको दूसहा भी बोलते हैं, और जो नीचे वाले वो पित्त को प्रबल वाले हैं और अल्प मेद वाले हैं, और वो कौन से होते हैं, वो साध्य होते हैं, वो क्या है, साध्य होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आता है शुश्रुत, तो शुश्रुत के कितने माने हैं, 10, 7 तक तो उन्होंने भी यही माना है, 7 तक क्या है, विद्रदी तक तो उन्होंने भी यही माना है। फिर लास्ट में कौन कौन से आ जाते, तो उन्होंने बोला गया है मंसूरिका, पुत्रिनी, ठीक है, और क्या है, विदारिका, ठीक है ना, विदारिका। तो उसको याद करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि शुश्रुत अपनी पुत्री, ठीक है ना, बिंदा को क्या है, मंसूरी लेकर गए, ठीक है ना, शुश्रुत अपनी पुत्री जो है बिंदा को क्या है, मंसूरी लेकर गए। अब देखो शुश्रुत अपनी पुत्री, तो पुत्री से याद रखना पुत्रनी, ठीक है ना, उसके बाद बिंदा, बिंदा मीन्स विदारिका, ठीक है ना, विदा मीन्स विदारिका को मंसूरी, मतलब मंसूरी का, ठीक है, लेके गए। उसके बाद वाग्भट, वाग्भट ने भी बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ माना है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। बस उन्होंने क्या है, उन्होंने बस दोषों के बारे में बता दिया कि जो पहले तीन होंगे वो कफ को बढ़ाएंगे, जो लास्ट के जो फिर आ जाएंगे नेक्स्ट 5 आ गए तो वो पित्त को बढ़ाने वाले होंगे, जो लास्ट के 2 होंगे वो भी कफ को बढ़ाएंगे, ठीक है। उन्होंने वात पित्त कफ ऐसे करके, मतलब कि वात तो है ही नहीं है, कफ और पित्त में ऐसे डिफ्रेंसिएशन बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है भोज, तो भोज ने क्या बोला है, भोज ने 9 प्रकार के मानने, तो सबसे पहले क्या उन्होंने क्या नहीं है, विंता नहीं मानना है, किसको नहीं मानना है, मतलब विंता नहीं माननी है। तो ऐसे याद करना कि जो भोज है वो अपनी पुत्री को लेके, मतलब जो विदा उनकी पुत्री है उनको लेकर कहाँ गए, कुफरी में गए, मतलब उन्होंने क्या है मंसूरी जानने की उनकी जो है जो विनती थी वो उसको नहीं माना है। तो विनती से विंता याद रखना है कि उसको भी नहीं माना है, और किसको नहीं माना है, मंसूरिका को नहीं माना है। तो मंसूरिका की जगह, मंसूरी की जगह वो कहाँ लेके गए हैं, तो कुफरी लेके गए हैं। तो कुफरी का यहाँ पर याद करना है कुल्थिका, ठीक है, कुल्थिका लेके गए हैं। और कच्छी जो कचपीका थी तो उसको क्या मानना है, कुमिका मानना है। जैसे जो सरसप था उसको सरसपीका, ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल है। इसका जो मेन था वो ये कि इन्होंने क्या है कुल्थिका मानना है, मंसूरिका नहीं मानना है, ठीक है। ऊपर जो है, ऊपर है माधव और शारंगधर का, उन्होंने कितने माने हैं, 10-10 ही माने हैं।
काश्यप जो है उन्होंने 8 माने, तो 8 में उन्होंने क्या किया, 7 तो वही चरक वाले आ जाएंगे और एक प्लस क्या कर दिया, आरुषिका, ठीक है, आरुषिका। और जो आरुषिका उसको क्या है, सन्निपातज माना गया है, जो आरुषिका है उसको क्या है, सन्निपातज क्या है माना गया है। और काश्यप ने क्या किया, काश्यप ने भी यही बोला है कि जो पहले तीन होंगे, ठीक है ना, दैट इज़ श्राविका, कशपीडिका और जालनी, वो कौन से होंगे, वो कफज वाले हो जाएंगे, सरषभ, विनीता और अलजी, ठीक है ना, सरषभ विद्रदी, सॉरी सरषभ, जो विंता है ना, विंता, उसको मान लेना कि ये वात है, बाकी जो तीन बच गए हैं सरषभ, विद्रदी और अलजी, ये क्या है, पित्त वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू काश्यप, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, आपको अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो उसमें देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब क्या इसके हम करेक्टर्स पढ़ेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, तो उसको सबसे पहले देखना हो तो याद रखना कि जो ये चीज़ है श्राविका, तो श्राविका में क्या बोला कि जो श्राविका होती है वो क्या है, अंत उना, ठीक है ना, कि मीन्स क्या है, किनारों से अंत जो है उनके वो क्या है, उन्नत है, वहाँ से मतलब ऊँचे उठे हुए हैं, मध्य निम्न मतलब बीच में से क्या है, निम्न है, बीच में नीचे की तरफ है, गड्ढा पड़ा हुआ है, श्याव मतलब कि किसकी तरह दिखती है, तो श्याव वर्ण की है, ठीक है, क्लेद उसमें क्लेदता होती है, और क्या लिखा है, रुग विना विनता, ठीक है, क्या है, रुग, रुग मीन्स वेदना, उसमें वेदना होती है, और लास्ट में क्या लिख दिया कि श्याव आकृति, ठीक है ना, श्याव आकृति मतलब श्याव, जो श्याव श्राव संपुट होते हैं, ठीक है ना, श्राव उसकी तरह क्या है, वो आकृति वाली होती हैं। तो याद रखना श्राव जो हमने देखे होंगे रस शास्त्र में, अगर आप लोग मेडिसिन प्रिपेयर किए होंगे या फिर उसमें जब हम जो भी हम भस्म बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, श्राव पुट में रखते हैं ना उसको, टिकिया बनाकर, तो उसके ऊपर फिर हम गाचनी मिट्टी का वो लेप लगा के उसको जोड़ते हैं, वो श्राव में ही करते हैं सब कुछ, ठीक है ना, फिर उसको गज पुट या फिर कुकुट पुट कुछ भी जो पुट देना होता है वो देते हैं। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला गया है कि क्या बोला गया है कि अंत क्या है, अंत में उन्नत है, मध्य में निम्न है, श्याव है, और क्या बोला है, क्लेद और रुग मतलब क्लेदता और वेदना को पैदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाता है, वो आ जाता है कचपिका। कचपिका का जो लक्षण है उसमें बोला गया कि अवगाढ़, क्या आ जाएगा, अवगाढ़ अति निस्तोदय, ठीक है, तो क्या बोला गया है, अवगाढ़ मतलब गहराई से, ठीक है ना, गहराई में क्या होगी, वेदना होगी, ठीक है ना, अति निस्तोद मतलब सुई चुभने के समान पीड़ा होगी, ठीक है, महावस्तु परिग्रह, क्या आ जाएगा, महावस्तु, एक तो आ जाएगा महावस्तु मीन्स बहुत बड़ा होगा, इसका जो मूल है वो काफ़ी क्या है, बड़ा होगा, और परिग्रह मतलब दूर तक क्या है, उसने घेरा किया होगा, मतलब उसने काफ़ी लंबा चौड़ा उसने क्या है, एरिया कवर किया होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाकी पीड़िकाओं से। उसके पास लक्षण है कच्छप, कच्छप पृष्ठाव मतलब पीठ से वो कैसा, जैसे कछुए की पीठ होती ना, तो वैसे ही क्या है, वो सदृश्य उसका दिखेगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आता है जालिनी, तो जालिनी का क्या लक्षण बताया, तो उन्होंने बताया गया है कि स्तंभता, ठीक है ना, क्या होती है कि वहाँ पर क्या है, स्तंभ है, ठीक है ना, जकड़ाहट है, किस चीज़ से, तो उन्होंने बोला कि सिरा जालवती, तो एक तो जकड़ाहट है चारों तरफ पीड़िका के, और दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया कि सिराओं का क्या है, उधर उधर मतलब पूरी तरफ क्या है, जाल बिछा हुआ है। स्निग्ध श्राव, तो श्राव बह रहा है, महाश्य, ठीक है ना, जिसमें क्या है, जो इसका आश्रय है, वन का जो आश्रय है, जो स्थान है वो क्या है, गहराई तक है, ठीक है ना, याद रखना कि यहाँ महावस्तु, महा क्या है, वास्तु का वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ महाआश्रय का वर्ड यूज़ किया, ठीक है ना, महाआश्रय अगर वर्ड आए तो वो किसके साथ आता है, तो वो जालिनी के साथ है, ठीक है। उसके बाद रुजा निस्तोदय, ठीक है ना, इसमें था सिंपल कि अति निस्तोदय, इसमें आता है रुजा निस्तोदय, निस्तोद बहुला, ठीक है, और सूक्ष्म छिद्रा, ठीक है, एक तो जिसके सूक्ष्म छिद्र हो, बहुत ज़्यादा क्या है, अत्यंत में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती हो, ठीक है, सुई चुभने के समान पीड़ा हो रही हो, महाशय हो, तो वो किसके, जो सीरा जालवती हो, स्तंभता हो, तो वो कौन सा लक्षण आ जाएगा, वो सारे आ जाएंगे जालिनी के लक्षण, ठीक है। नेक्स्ट 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 अगला आ जाता है हमारे पास सरषभ, ठीक है ना। अब सरषभ में क्या बोला गया है, तो सरषभ में इन्होंने बोल दिया गया है कि जो सरषपिका है तो उसकी जो पीड़िकाएँ हैं उसमें एक तो पीड़िकाएँ होंगी ना अति महती, ठीक है ना, वो क्या है, एक तो वो तो ना तो ज़्यादा छोटी होंगी ना तो अति बड़ी होंगी, ना अति महती, ठीक है ना, तो ना तो बड़ी है ना तो वो क्या है ज़्यादा छोटी हैं। और क्या लिखा है कि शिप्र, शिप्र पाक है मतलब कि जल्दी से क्या है वो पाक होने वाली होंगी, महारुजा, महारुजा मतलब कि वेदना को उत्पन्न करने वाली होंगी, ठीक है। और जो सुश्रुत है उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने जो वर्ड लिया गया वो क्या लिया हुआ है, सरषभ की जगह पर गौर सरषभ संस्थाना, ठीक है ना, गौर सरषभ, ठीक है ना, प्रमाण जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, गौर सरषभ के प्रमाण के बताया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आता है अलजी, तो अलजी का लक्षण में उन्होंने क्या बोला है कि दहकती, ठीक है, क्या हो जाती है, दहकती मतलब दाह उत्पन्न करने वाली होती है, तो एक क्या होती है, एक तो दाह उत्पन्न करती है, और जो त्वचा होती है
उसको क्या है, उठाने वाली होती है, ठीक है ना। जो त्वचा है उसको क्या है, और फैलाने वाली जो, उसको और उठाने वाली होगी, त्वच उत्थानम, ठीक है ना। तृष्णा मोह ज्वर प्रदा, मतलब कि तृष्णा को उत्पन्न करने वाली, मोह को, ज्वर को पैदा करने वाली होती है, और विसर्प की तरह वो क्या करती है, फैलती है, शीघ्र ही क्या होती है, फैलने वाली होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने अलजी में बता दी गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आता है विंता। विंता में उनका क्या लक्षण होगा, तो उन्होंने बोला कि अवगाढ़, ठीक है ना, अवगाढ़ वही गहराई आ गया। रुझा क्लेद पृष्ठ है, ठीक है, एक तो क्या होगी, रुझा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब वेदना हो जाएगी, और क्लेदता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। पृष्ठ उदरे अपि, मतलब पृष्ठ व अप्य उदरे अपि, तो मतलब कि पृष्ठ में और उदर में क्या हो जाती है, उसमें दाने पड़ जाते हैं, मतलब बड़े बड़े या बीच में गहरे, जो इन्होंने जो रंग बताया गया है वो कौन सा बताया गया है, तो नीलवर्ण का, कौन सा है, नीलवर्ण की क्या है, पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अवगाढ़ आ गया, रुझा आ गई, क्लेदता, पृष्ठ और उदर में क्या है, वो पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि गहरी होती हैं, महती लिखा हुआ है, और वो क्या है, कौन से कलर की होती हैं, तो वो आ जाता है कि नीलवर्ण की होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आता है विद्रदी। जो विद्रदी है वो एक सर्जरी का पार्ट है, तो विद्रदी में क्या बोला गया कि विद्रदी दो प्रकार की उन्होंने बताई गई है, एक बाहरी विद्रदी के लक्षण, एक अंतः विद्रदी के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो पहला एक्सप्लेनेशन किया है वो बाहरी विद्रदी के बारे में बताया गया है। तो बाहरी विद्रदी में आपको एक वर्ड याद करना है, मस्त, म स त, ठीक है, म से मांस, स से स्नायु, और त से त्वचा, ठीक है। जो बाहरी विद्रदी है वो कहाँ उत्पन्न होती है, तो उन्होंने बोल दिया कि जो बाहरी विद्रदी है वो मांस, स्नायु और त्वचा, इसी में ही क्या है, उत्पन्न होती है, ठीक है, इसी में क्या उत्पन्न होती है, जो कि है कंडराओं के समान क्या, अधिक वेदनाएं करने वाली होती हैं, ठीक है। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जो आगे जाकर सुश्रुत है, तो सुश्रुत ने भी आगे जाकर उनको बताया गया कि उन्होंने क्या बोला गया कि तेरी मेम की विद्रधि अस्थि में आश्रित है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आ गए, तेरी, त से त्वक आ गया, र से रक्त आ गया, मेद और मांस आ गया, ठीक है, कि विद्रधि अस्थि, तो अस्थि भी वर्ड आ गया, में आश्रित है, मतलब जो सुश्रुत आचार्य हैं उन्होंने क्या है, चरक ने तो सिंपल बोल दिया मस्त है, मतलब बाहर की विद्रधियाँ बहुत मस्त होती हैं, अंतर की बहुत दिक्कत क्रिएट करती हैं, जो बाहर है वो क्या है, ज़्यादा अच्छी हैं, तो उसको याद करना है मस्त वर्ड करके। तो मस्त से आ जाएगा, म से आ जाएगा मांस, स से आ जाएगा स्नायु, और त से आ जाएगा त्वक, ठीक है। लेकिन जो सुश्रुत ने बोला कि तेरी मेम, मतलब बाहर से कोई फॉरेनर आई है उसको मेम बोला जाता है, तो कैसे होगा कि तेरी मेम की विद्रधि जो है वो क्या है, अस्थि में है, ठीक है। तो तेरी, त से त्वक, र से रक्त, म से मांस, और म से मे से मेद, ठीक है, विद्रधि अस्थि, अस्थि वर्ड भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब अंतःविद्रधि, जो अंतःविद्रधि है उसके बारे में बताया गया है। अब जो चरक है उन्होंने जो अंतःविद्रधि के जो प्रकार बताए गए वो टोटल कितने बताए गए हैं, 9 बताए गए हैं। जो सुश्रुत है उन्होंने 10 बताए गए हैं, जो वाग्भट है उन्होंने भी 10 बताए हैं। सुश्रुत ने कौन सा ऐड किया है, तो गुदा को क्या है, ऐड किया है, ठीक है ना। चरक से जो अलग बताया गया है वो क्या बताया गया है, गुदा, ठीक है, क्या बताया गया है, गुदा। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी हिंदी पढ़ लो। इसमें क्या लिखा कि अंतःविद्रधि जो विद्रधि हो रही है उसके कारण और उसकी संप्राप्ति स्थान क्या है, कि अगर हम बासी खाना खाते हैं, विदाही अन्न, उष्ण, रूक्ष या फिर शुष्क आहार का सेवन अति अधिक मात्रा में करते हैं, विरुद्ध भोजन का खाते हैं, अजीर्ण भोजन खाते हैं, या फिर दुष्ट भोजन मतलब संकीर्त जो भोजन करते हैं, विषम भोजन करते हैं, प्रकृति के विपरीत भोजन करते हैं, दूषित मदिरा का अधिक सेवन करते हैं, तो इन्होंने सभी जो है वो सारे एक जो बिल्कुल ही हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है, वही इन्होंने बताए गए हैं कि अधिक रास्ते पर चलते हैं, अधिक मैथुन करते हैं, या अधिक शयन करते हैं, अधिक बार ढोते हैं, मतलब जो क्या है जितना हमें अमाउंट में करना चाहिए उससे क्या है, हम या तो ज़्यादा कर रहे हैं या तो बिल्कुल ही बेकार कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे, तो वो ही बताए। अगर वो चीज़ें करते तो उससे क्या होते हैं, उससे जो दोष प्रकोपित होते हैं, ठीक है ना, प्रकोपित हुए जो वात आदि दोष होते हैं शरीर में क्या है, यहाँ लिखा हुआ कि शरीर में जिन जिन भीतरी अवयवों में प्रविष्ट करते हैं उन अवयवों को क्या है, कठिन और क्या है, गंभीर घाट उत्पन्न कर देते हैं, मतलब एक क्या है, घाट, ठीक है, वो बना देते हैं। ये जो गांठें हैं वो क्या करती हैं, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, इन्होंने वही 9 चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। तो कहाँ आ जाता है, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, कुक्षी, वृक्क, नाभि, वक्षण, बस्ती, टोटल काउंट करोगे तो 9 बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वो जाकर क्या है, उत्पन्न होते हैं और तीव्र क्या है, वेदना उत्पन्न होती है। इसको कैसे याद करना है, तो याद करने के लिए देखो, यकृत, प्लीहा तो तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि यकृत जहाँ जाता है वहीं वहीं क्या, प्लीहा आ जाती है, ठीक है, इतना हो गया।
और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो एक तरह से मर्म भी ले लिए गए हैं, एक तो हृदय ले लिया गया है और साथ में क्या है बस्ती, और एक तरह से नाभि भी ले लो। इसको भी कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एक तरह से इसको भी तीन में रखा गया जस्ट फॉर याद करने के लिए, ठीक है इतना हो गया। उसके बाद वृक और वंशन, ठीक है। अब देखो खाना पीना खा रहे तो कुक्षी भी चाहिए, पानी पी रहे तो क्लोम वगैरह भी चाहिए, ठीक है। तो क्लोम कुक्षी वक्षण, ठीक है ना, वृक वक्षण, ठीक है। तो इस तरह करके नौ है, और जो शुरशु था उन्होंने क्या है गुदा को क्या है एक एक्स्ट्रा माना गया था, तभी क्या उनके जो टोटल बनते हैं वो कितने बनते हैं तो 10 बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चला जाता है विद्रधि की निरुक्ति क्या है। तो उन्होंने बोला है कि जब दुष्ट जो रक्त होते हैं, दुष्ट रक्त अति मात्रावात सहचे शीघ्र विदग्धे, उन्होंने बोला कि जब जो दुष्ट जो रक्त होते हैं वो अधिक मात्रा में होने से क्या है शीघ्र ही क्या हो जाता है विधा युक्त हो जाता है, क्या हो जाता है विधा युक्त हो जाता है, और शीघ्र ही विधा युक्त होने से क्या होता है कि वो विद्रधि को क्या है उत्पन्न करता है, उसी उसी को जो विधा उत्पन्न होता है वही उसी को क्या बोल देते हैं विद्रधि बोल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि वातज और पित्तज विद्रधि के क्या लक्षण है, तो ये जनरल से कि वेदन छेदन ब्रह्म अना शब्द ये अलग इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इसका जो विमर्श है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो शुरुश्रुत ने दिया गया है। तो शुरुश्रुत ने क्या बोला है, उन्होंने क्या है उन्होंने ना अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग बता दिया गया है कि अगर वातज विद्रधि होगी तो वो कैसा रंग आएगा, अगर पित्तज होगी तो कैसा होगा, अगर कफज होगी तो कैसा होगा। जैसे यहाँ पर भी क्या है, यहाँ जो ऊपर था वातज पित्तज और कफज, उसमें जनरल सा बोल दिया कि अगर वेदन छेदन ब्रह्म अनाहा शब्द, ठीक है, इन तरह के लक्षण दिखे तो वातज हो जाएंगे, तृष्णा दाहा मोह मद, ये तो सब लोग जान लेंगे कि तृष्णा दाहा तो ज़्यादातर पित्त यहाँ पर कफ का भी बोला है कि कफ में क्या है जम्भाई आना, जी मचलना, अरुचि होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाए तो वो क्या है ठंडक, एक शरीर को ठंडक महसूस होना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो सारी आ जाती हैं वो किसके लिए आ जाती है, वो कफज के लिए आई गई हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि स्व असु च, ठीक है ना, स्व असु च महश्च शूलम विद्रदि उपजयते, ठीक है ना, ये चीजें बताई गई जो क्या सर्वाधिक क्या है सर्वाधिक अधिक पेन वाली होती है, उसको क्या है वो कफज अंतर्वृद्धियों में आते हैं। लेकिन जो शुश्रुत है उन्होंने क्या है उन्होंने कलर के अकॉर्डिंग बता दिया, जो कृष्ण वर्ण का होगा, ठीक है, चित्र उत्थान प्रपाक, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं वातज में बोल देंगे, पक्व उदुम्बर मीन्स वही है काले रंग का पक्व उदुम्बर स कांश्यम, ठीक है, और जो शिप्र मतलब जल्दी से पाक होगा तो वो कौन सा आता है वो पित्तज वाला जाता है। अगर यही कफज की बात करेंगे तो कफज में इन्होंने ये चीज़ें बोल दी हैं कि जो क्या है श्राव सदृश होगा, चिर क्या होगा चिर उत्थान, और क्या होगा पाक मतलब कि देरी देरी से वो उठेगा और देरी से उसका पाक होगा, और श्राव की तरह वो सदृश होगा तो वो कौन सा आ जाएगा वो कफज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो आया था पच्यमान विद्रधि का लक्षण है, इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट वाली चीज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि अगर पच्यमान विद्रधि है तो उसमें क्या होगा, तो उन्होंने बोला है कि शस्त्र अभिधेयते, ठीक है ना, इव च गुलमे, ठीक है ना, च गुलवम एक रिव ध्यते, तो उन्होंने बोला कि पाक जो प्राप्त विद्रधि की क्या अस्त्र शस्त्र की तरह क्या होती है भेदना होती है, मतलब उसमें भेदन की तरह क्या होगी पीड़ा उत्पन्न होगी। उसके बोला कि उल्मुख क्या जाएगा, उल्मुख जलते ही अंगार के जलने से के समान क्या है दाह उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है ना कि च अल्मुखे क एव देखते, तो ने वो ही बोला अल्मुख के जलते हुए क्या है समान क्या उसमें दाह उत्पन्न होगी। और साथ में यहाँ पर जो लास्ट वर्ड दिया है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया वृश्चिक क्या है वृश्चिकेर दृश्यते, तो उन्होंने बोला गया कि इसके क्या है बिच्छू के काटने के समान, ठीक है ना, तो कैसी वेदना होगी, तो उन्होंने बोला कि जो वृश्चिक है, ठीक है ना, तो वृश्चिक का और भी जगह पर बताया गया है, जैसे जो चरक है उन्होंने बता दिया कि पश्चिमान विद्रधि में होता है, जो शुश्रुत है उन्होंने बताया कि पश्चिमान शोफ में, ठीक है, पश्चिमान शोफ में, और जो माधव है उन्होंने बताया है आमवाद में, जैसे कि यहां पर बताया गया, ठीक है। तो कौन कौन सा आयता कि अगर वृश्चिक जो होता है चरक, अगर चरक आप पूछ ले कि वृश्चिक का जो है एज अ दिखना, ठीक है ना, उसकी तरह क्या उसमें वेदना होनी वृश्चिक एव दृश्यते, ठीक है, तो वो आ जाए तो वो मतलब उसकी तरह जो दंश मतलब वहाँ दंश लगने पर जो पीड़ा होती है अगर वो जैसा महसूस हो, तो माधव ने बोल दिया आमवाद, ठीक है, माधव में तो वैसे ही आमवाद की बहुत चर्चा है। उसके बाद शुश्रुत ने बोल दिया शोफ पच्यमान शोफ, ठीक है, और जो चरक है उन्होंने बोल दिया पच्यमान विद्रधि में बताया गया है।
वैसे जो विद्रोधि श्रुति बताई गई है वो छह प्रकार की बताई गई है, कौन कौन से आती हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और अघंतुज, ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ये देखो सुश्रुत ने वही इसमें भी वृश्चिक के बाद में बात की गई है, वो क्या आ जाता है पच्यमान शोफ लक्षणम में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट श्राव के अनुसार जो बताया गया कि विद्रोधियों में क्या है अलग अलग तरह का क्या है श्राव निकलता है, तो वो श्राव से भी हमें क्या है पहचानना होता है कि वो कौन सा श्राव निकले तो कौन सा वो दोष उसमें प्रेजेंट है, मीन्स वात पित्त कफ कौन सा दोष प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोल दिया कि तनु रूक्ष क्या आ जाएगा, तनु मीन्स पतला, रूखा होगा, ठीक है, अरुण वर्ण का होगा, श्याव फेनिल वात विद्रति, तो उसे क्या है जब फेन उसमें निकलता हो मतलब झाग निकलती हो तो क्या समझ लेना चाहिए कि वो क्या है वातज विद्रति है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाता है कि तिल माश कुलथ, ठीक है, क्या आ जाएगा तिल माश और कुलथ, कि अगर क्या है तिल हो, माश मीन्स उड़द हो और कुलथी हो, ठीक है, अगर इनके क्वाथ के समान हो तो क्या समझना चाहिए श्राव निकलता हो तो पित्तज विद्रति वाला आ जाता है। और भी है, तो उन्होंने बोला कि अगर श्वेत पिछिल बहल बहु, तो अगर ये चीज़ें निकलती हो मतलब श्वेत वर्ण को हो, पिछिल हो, बहुत ज़्यादा हो और बहल मतलब गाढ़ा टाइप का हो, तो उसको क्या समझ लेना चाहिए कि कफज विद्रति का क्या है लक्षण बताया गया। लेकिन सुश्रुत ने क्या यहाँ पर जैसे पूरा एक्सप्लेनेशन से बताया गया, लेकिन सुश्रुत ने क्या बोल दिया कि तनु पीत सीता, ठीक है, तनु तनु मीन्स आ गया वात, पित्त मीन्स आ गया पित्त और सीता कफ के लिए, तो ये श्राव निकले तो समझ लेना चाहिए कि वात पित्त कफ है, तनु पित्त और सिकता। और त्रिदोषिष के लिए उन्होंने बोल दिया कि नाना वर्ण, ठीक है ना, नाना वर्ण रूजा श्रावो, ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई कि किसी भी तरह का जो भी ये निकलता है श्राव तो उसको क्या है समझ लेना चाहिए कि ये एक सन्निपातज है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है अंत जो विद्रधि है उसका क्या है सापेक्ष निदान, मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि कौन से विद्रधि से क्या है कौन कौन से जो लक्षण है वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले जो हमने नौ प्रकार की विद्रधियां पढ़ी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करिए, तो सबसे पहले आ जाता है हृदय का। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तत्र प्रधानम, ठीक है ना, मर्म जयतम जो विद्रधि है वो कौन सा हृदय, तो हृदय में उनको क्या दिखता है, तो हृदय में उन्होंने बोला है कि हृदय क्या होते हैं घटन, ठीक है ना, तो हृदय में जो उत्पन्न होने वाली जो होता है तो सबसे पहले क्या होता है तो घटन मतलब क्या है धड़कन, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा है तम के, ठीक है, तमक श्वास, प्रमोह, कास और श्वास, ठीक है ना। तो याद रखना कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा घटन, ठीक है, घटन तमक घटन, ठीक है, उसका तमक, प्रमोह, काश और श्वास, ये चीज़ें होगी। उसके बाद अगर हम क्लोम की बात करेंगे तो उसमें क्या आ जाता है दैट इज़ अ पिपांसा, मुख शोष है, गलग्रह है, ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। यकृत, अब याद रखना यकृत में श्वास का बोला गया है, यकृत में किसका बोला गया है श्वास का बोला गया है। और अगर हम प्लीहा की बात करेंगे तो प्लीहा में क्या बोला गया है तो उश्वास अवरोध है, मतलब कि जो हमारा देखो यकृत में जो बोला गया वो बोला गया श्वास का अवरोध, लेकिन प्लीहा में स्पेशली क्या, एक तो उश्वास होता है एक निश्वास होता है, तो उन्होंने बोला कि उश्वास में क्या है रुकावट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, यकृत प्लीहा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कुक्षी, तो कुक्षी में क्या बोलते हैं उन्होंने कि कुक्षी में क्या होता है कि कुक्षी और पार्श्व, ठीक है ना, कुर्सी के कुक्षी और क्या है पार्श्व, उसमें क्या होती है वो वहाँ पर वेदना होती है, ठीक है ना, मतलब कि उधर पार्श्व और कुक्षी इज लाइक अ उधर, ठीक है, तो क्या आ जाता है कि उधर पार्श्व और क्या आ जाता है अंश, अंश लिखा है ना पार्श्व अंश, अंश में क्या होती है मतलब कंधों में क्या है शूल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वृक्क की बात करेंगे तो वृक्कों में क्या होता है जो वृक्क होते हैं किडनीज होते हैं तो वो कहाँ पीछे होती हैं, तो वही उन्होंने बोला कि पृष्ठ कटी ग्रह, क्या आ जाएगा पृष्ठ कटी ग्रह, ठीक है, मतलब जकड़ाहट टाइप सी महसूस होती है पृष्ठ कटी ग्रह में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास नाभि, तो नाभि में क्या हिक्का होनी शुरू हो जाती है हिक्का, ठीक है। और शायद वंक्षण, तो वंक्षण में उन्होंने क्या बोल दिया कि विद्रधि जो होती है वो क्या है अवसाद को उत्पन्न करती है, दैट इज़ अ सिक्त साध है, मतलब पैरों से क्या है वो अवसाद को उत्पन्न करती है। और जो बस्ती होगी तो बस्ती क्या करती है कि कृच, ठीक है ना, जो कि कृच और जो पूती मूत्र है, मतलब कि एक तो क्या है कृचता मतलब कि मूत्र जो है अगर हम पेन यूरिन पास आउट करते हैं तो क्या कठिनाई से होगा, और साथ में पूती, पूती का मतलब पस टाइप मतलब दुर्गंध युक्त होगा, ठीक है, तो ऐसे मूत्र का क्या है वो त्याग करती है, ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपको एक चीज़ बताने वाली थी, वो थी याद रखना कि जैसे कि वंक्षण और एक कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना,
वंक्षण, क्योंकि चरक और सुश्रुत में क्या है, बाकी सब सेम है लेकिन थोड़ी सी जगह पर क्या है डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। तो उन्होंने याद रखना कि जो चरक है तो चरक की जो सांस थी उसके वंक्षण में विद्रधि थी, ठीक है। चरक की सांस में क्या थी, वंक्षण में विद्रधि थी। तो सांस सिक्त, सिक्त साध, तो याद रखना क्या आ जाएगा, सिक्त सांस, ठीक है ना, सिक्त साध, ठीक है। तो चरक की सांस में क्या थी, विद्रधि थी, ठीक है ना। बाकी तो बाकी जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या अभी इतना ही ध्यान रखना है। और देखो हाँ, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि वृश्चिक का पढ़ा कि जो वृश्चिक है वो क्या, जो माधव निदान है उन्होंने क्या बोला कि आमवात में जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है, जो सुश्रुत है उन्होंने अपना अलग से मत दिया है, पच्यमान शोक में दिया गया है, और जो चरक है उन्होंने विद्रधि में बताया गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक आ जाता है कि वट्टी, ठीक है, क्या आ जाता है, वो आ जाता है वट्टी, ठीक है ना। वट्टी जो दंशवंत अगर हो जाए वहाँ पर, वेदना हो जाए तो किस में होगी, तो उन्होंने बोला कि उदग्ध में होगी, उदग्ध में होगी, ठीक है। अगर मूषा, ठीक है ना, जो मूषक होते ना चूहा, तो उसके विष के समान जो वेदना होगी वो किस में होगी, तो वात रक्त में बताई गई है, वात रक्त में बताई गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये सुश्रुत का उन्होंने बताया गया, जब हम सुश्रुत संहिता विद्रधि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही है कि देखो यहाँ पर जो वंक्षण है, आपको एक बार दिखाई देते हैं जो वंक्षण है, ठीक है। अब ये देखो कि वंक्षणों में क्या लिखा हुआ है, हमने क्या पढ़ा कि चरक की सांस की वंक्षण में क्या है, विद्रधि है, ठीक है ना, चरक की सांस, ठीक है ना, सांस को क्या है, वंक्षण में विद्रधि है। और यहाँ देखो क्या लिखा है, कृष्ट, उसमें सांस में सिक्त, सिक्त साध आ गया। यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है कि कटि पृष्ठ ग्रह सतीव्रो, ठीक है ना, कटि पृष्ठ केपी, ठीक है ना। तो केपी किस में आएगा, तो वंक्षण में बताया गया है, मतलब कि सुश्रुत ने वंक्षण में केपी की तीव्रता से वेदन बताई गई है, ठीक है ना, समझ गए ना। सुश्रुत में जो है वो केपी के बारे में बताया गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सुश्रुत के क्या है, वंक्षण में केपी, केपी इसे क्या जाता है कि कटि पृष्ठ, ठीक है ना, में तीव्र क्या है, वेदना ग्रहण कर होती है, तीव्र से क्या है, वेदना होती है, ठीक है। और याद रखना कि यहाँ पर क्या है, जो वृक है यहाँ पर, वृकों का भी देख लो, चलो देख ही लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोला कि सुश्रुत के किड्स, किड्स मीन्स आ जाता है वृक, ठीक है। तो वृकों में क्या बोला गया कि पार्श्व में क्या होता है, संकोच होता है, जो मतलब कि जो ये देखा गया, देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, पहले यही देख लेते चरक। तो चरक ने ये बोल दिया कि जो चरक की जो सांस है, ठीक है ना, उसमें क्या वंक्षण हुआ, ठीक है। तो सांस से आ गया, सिक्त साध आ गया। एक यहाँ पर देखना है कि जो किड्स है, मतलब जो वृक है, ठीक है ना, मतलब किडनी हो गया ना, किड्स वृक होते हैं, तो वृक के ग्रहण करने पर क्या है, केपी, केपी बोला गया, मतलब कि जो किडनी है, मतलब वृक है, वृक में क्या होता है, कटि पृष्ठ ग्रह होता है, ठीक है ना, कटि पृष्ठ ग्रह होता है, मतलब समझ गए इसके बारे में। कटि पृष्ठ क्या होता है, ग्रह माना गया है, किस में माना गया है, तो वो वृक में माना गया है, कटि पृष्ठ ग्रह। यहीं आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि कटि पृष्ठ ग्रह, ये देखो कटि पृष्ठ ग्रह लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, ये क्या है, जो चरक है उन्होंने किड्स में माना है कटि पृष्ठ ग्रह, ठीक है, मतलब जो चरक ने माना कि किड्स क्या है, केपी है, ठीक है ना, तो किड्स क्या है, केपी है। लेकिन जो सुश्रुत के किड्स हैं वो क्या आ जाते हैं, तो उन्होंने बोल दिया कि जो सुश्रुत के जो किड्स हैं तो वो क्या है, तो बोला क्या है कि वो उनमें पार्श्वों में क्या है, संकोच होता है, उनके जो पार्श्व हैं उसमें क्या है, संकोच होता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट बताए गए हैं आपस में, क्या इनका क्लैश होता है किसका, वंक्षण और वृक का, ठीक है ना। जो वंक्षण ऐसे याद कर लेना, जो कि एक 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 के याद कर लेना, चाहे तो चरक के याद कर लेना, चाहे सुश्रुत के याद कर लेना, तो दोनों के क्या है, ऑपोजिट है, वंक्षण और वृक का, ठीक है। कोई इसमें इतनी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या बोला गया, नेक्स्ट अगला आता है अंत, जो विद्रधि है उनके श्राव के मार्गों के बारे में बात हो रही है कि
तो उसमें यही बोला गया है कि पक्व, अगर क्या होगी पक्व अभिन्न, ठीक है ना, तो उसमें अगर हो जाए तो उसमें क्या होगा ऊर्ध्व ऊर्ध्ववसु, ठीक है ना, मुख श्रावात मतलब मुखात श्राव, तो मुख की तरफ से क्या होगा श्राव होगा। अगर अधो में होगी तो क्या होगा गुद में श्राव निकलेगा। अगर उभय में हो गई मतलब नाभि के बीच में हो गई, तो अगर नाभि पे हो गई तो उन्होंने क्या बोल दिया उभय, ठीक है। इतना याद रखना, अगर क्या है नाभि को इन्होंने क्या मान लिया, एक मिडल लाइन मान ली, नाभि से ऊपर होगा तो मुख से श्राव निकलेगा, नाभि से नीचे होगा तो वो क्या है गुदा से श्राव निकलेगा। अगर नाभि मार्ग में ही होगा तो उन्होंने क्या बोल दिया कि ऊपर से भी होगा और नीचे से भी दोनों से ही होगा, ठीक है। ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें, सारा यही बोला गया। जो सुश्रुत है, सुश्रुत निदान में उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने बोल दिया कि जो नाभि है अगर ऊपरी भाग में अगर श्राव होता है, मतलब कि अगर क्या ऊपरी भाग से श्राव होता तो उसको असाध्य माना गया है, अगर नीचे भाग से श्राव होता उसको साध्य माना गया है, अगर क्या है अगर मर्म स्थान में होता मीन्स हृदय में बस्ती में नाभि में इनमें प्रेजेंट होता तो उसको हमेशा क्या असाध्य समझना चाहिए। अगर जो विद्रधि है वो बाहरी है, मीन्स हमने जो विद्रधि वो दो प्रकार की पढ़ी है अंतः और बाहरी है, तो जो बाहरी विद्रधि होती वो क्या हमेशा ही क्या है साध्य होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं साध्य होती हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला रहता है कि जो विद्रधि है विद्रधियों की मृत्यु का कारण क्या है, मतलब उन्होंने बोला कि जो विद्रधि है तो उसमें मृत्यु कैसे हो जाती है, तो उन्होंने बोला गया है जो विद्रधि है उसमें क्या है इन विद्रधियों में क्या है हृदय नाभि और जो वस्ती के स्थान पर अगर यहाँ पर हो जाए, पहले तो हमने ये जो सारा पढ़ा है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, अभी हम क्या है चरक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो चरक में उसमें क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला कि हृदय में नाभि में और वस्ती में अगर हो जाती है तो उसे क्या है उसको अगर या फिर सन्निपातज विद्रधि हो जाए तो उसको क्या समझ लेना चाहिए वो मृत्यु के साथ ही है, मतलब कि उसको मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसको क्या है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते उसको शीघ्र ही क्या है शस्त्र सर्प बिजली और क्या है अग्नि इसके समान क्या है भयंकर समझ कर क्या है स्नेहन स्वेदन विरेचन, ठीक है, और गुलम की तरह क्या है चिकित्सा करने को, बोला गया है कि प्रमेय पीड़िकाएं जो होती हैं, ठीक है ना, वो क्या है, तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रमेय पीड़िकाओं में जो मुख्य रूप से जो दूषित होता है तो वो क्या होती है मेद धातु दूषित होती है, दुष्टे मेदस्य, ठीक है, इसमें क्या है मेद धातु जो है वो सबसे ज़्यादा दूषित होती हैं। तो उसके बाद बोला कि लेकिन इन पीड़िताओं का क्या है परिज्ञान तब तक नहीं होता जब तक क्या है वह अपने स्थान को क्या है पूर्ण रूप से पकड़ नहीं लेती, ठीक है। इसमें यह भी बोला गया है कि कब आपको ज्ञान होगा, तो वो तब तक ज्ञान नहीं हमें हो पाएगा जब तक क्या है वो अपने पूरे स्थान को पकड़ नहीं लेती, ठीक है, तब तक क्या है वो एक प्री सिम्टोमेटिक रहता है, ठीक है ना, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते उसके सिम्टम्स। उसके बाद है इसकी साध्य साधिता पीड़िकाओं की, तो उन्होंने बोला कि जो पहली तीन होती हैं दैट इज़ श्राविका कश पीड़िका और जालिनी, वो क्या होती हैं दैट इज़ अ दुसाहा, मीन्स क्या है कि वो कष्ट साध्य होंगी, दस तो असाध्य होंगी लेकिन फिर भी क्या है कष्ट साध्य होंगी, ठीक है, वो क्या है जो तीनों पीड़िकाएँ हैं, ठीक है, वो क्या है वो बलवान होती हैं, तो वो क्या है वो कष्ट देने वाली होती है, अधिक कष्ट साध्य टाइप की होती है। लेकिन जो लास्ट की चार होती है अरे सर की वीवी होट है, ठीक है, तो लास्ट की चार होती है तो वो क्या है पित्त प्रधान होने की वजह से क्या है वो क्या है अल्प मेद होने की वजह से क्या है वो साध्य होती हैं, ठीक है ना, वो क्या है साध्य, यहाँ पर लिखा गया कि वो क्या है साध्य होती हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है कि स्थान के अनुसार अगर पीड़िकाओं को देखा जाए तो उसके अनुसार हम क्या बोलेंगे, तो उन्होंने बोल दिया कि अगर हृदय में पीड़िकाएँ हों या मर्म में हों, मर्म इन द सेंस हृदय शीर बस्ती अंश में बोल दिया है गुद, ठीक है, उसके बाद हाथ हाथ में बोल दिया है स्तने संधि पैर में हाथ पैर में संधि में, ठीक है, प्रमेय पीड़िका हो तो वो क्या है व्यक्ति जो है वो अधिक जीवित नहीं रह पाता है। सुश्रुत ने ये भी बोला कि पीठ में होने वाली जो पीड़िकाएं होती हैं वो असाध्य मानी गई हैं, पर यदि रोग को क्या है अग्नि दौर्बल्य और साथ में पीड़िकाओं में कोई उपद्रव्य ना हो तो वो क्या है असाध्य मानी गई है। उसको की भी क्या है असाध्य मान लिया गया है, ठीक है, और जो वाग्भट है उन्होंने भी क्या है पृष्ठ को माना गया है कि जिनके पीठ पर क्या विद्रधि हो उसको क्या असाध्य मान लेना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाता है कि जो पीड़िकाएं हैं उनके उपद्रव्य बताए गए हैं, तो याद रखना जो पीड़िकाएं हैं उनके जो उपद्रव्य हैं वो कितने हैं, तो 9 होते हैं, तो 9 कौन कौन से आ जाते हैं, तो उसमें बोला गया है कि तृष्णा, ठीक है, मतलब प्यास लगना, त्रिट श्वास, इसमें हिंदी में पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, श्वास मांस ऐसे संकोचम लिखा है, तो लिखा कि प्यास लगना श्वास मांस का सड़ना मोह हिजकी, ठीक है, मद ज्वर,
विसर्प मर्म की रुकावट होना, ये सभी के हैं उपद्रव्य बताए गए हैं। ठीक है, ये सभी के उपद्रव्य बताए गए हैं। इस तरह के जो आपका जो पीड़िकाओं वाला जो पॉइंट है और जो विद्रदी वाला जो पॉइंट था वो आपका क्लियर होता है। अब जो आगे चलते हैं वो आ जाता है कि दोषों की त्रिविध गतियाँ, तो जो दोष है वो त्रिविध गति कैसे अपनी करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो त्रिविध गतियाँ बताई गई हैं वो उसको हम एक्सप्लेनेशन से आगे पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, जो दोष होते हैं उनकी क्या होती हैं त्रिविध गतियाँ। तो उन्होंने दोषों को पहले बोल दिया कि ये प्राकृतिक गति से भी चलते हैं और विकृत गति से भी चलते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम देखें तो दोषों की बताई जाती हैं वो कैसे बताई जाती हैं, एक तो आ जाता है स्थान में, अगर वो प्राकृत अवस्था में रहेंगे तो वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। जो विकृत होंगे वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो वो क्षय की कंडीशन में जाएंगे चाहे वो वृद्धि की कंडीशन में जाएंगे, ये हो जाएगा। और क्या मान लिए कि कोष्ठ होता है, शाखा होती है और मर्म संधि होती है, एक तीन ये मान लिए, और एक ऊर्ध्व की तरफ जाएंगे या अधो की तरफ जाएंगे या फिर क्या है तिरे गमन करेंगे, ये आ गया। ठीक है, ये जो कोष्ठ शाखा और मर्म है इसको तो हम लोग चरक सूत्र 11 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, त्रयेशनीय ध्यानम में जब हमने सप्तत्रिक पढ़े थे, अष्टत्रिक पढ़े थे, तो उसमें हमने इसको पढ़ लिया था अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अगला आया था, उन्होंने बोला गया कि क्षय प्रकोप प्रशमना। ठीक है ना, मतलब संचय प्रकोप और प्रशमन। ठीक है, ये भी जो है ये भी हम तीन प्रकार की गतियाँ ही तो हैं दोषों की हो रही हैं, एक में संचय हो रहा है, फिर प्रकोप होता है, फिर प्रशमन हो जाता है। ठीक है, मतलब हट जाती हैं, तो वो क्या मानी, तो उन्होंने बोला है कालकृत गति। अगर पूछ लिया जाए कि कालकृत गति कौन सी है, तो कालकृत गति में आपको यही बतानी है तीन गतियाँ कौन सी आ जाती हैं, संचय प्रकोप प्रशमन। ठीक है, तो उसी प्रकार उन्होंने बोला कि वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु में गए, एक एक करके ये क्या अपने ही दिखाते हैं। ठीक है, कि ये प्रकोप हो रही है, प्रशमन हो रही है, या क्या क्या हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसमें आ जाओ, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो गति है, ठीक है ना, कालकृत के अकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें बोला कि जो गति होती है वो दो प्रकार की, एक तो कालकृत वाली होगी, उन्होंने बोला कि एक गति जो होती है वो दो तरह की होती है, वो कौन सी होती है, प्राकृत और वैकृत, वही आ गया प्राकृत और वैकृत जो आपको पीछे एक्सप्लेनेशन से समझाई है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ना एक वर्णन किया गया है कि कफज की प्राकृति और विकृत गतियाँ कैसी होती हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर प्राकृत अवस्था में कफ रहेगा तो क्या करेगा, बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्चते। अगर जो कफ है वो अगर प्राकृत अवस्था में रहता है तो बल देता है, ठीक है, शरीर को, लेकिन अगर वो विकृत अवस्था में चला जाए तो वो मल कहलाया जाता है। ठीक है, तो वही है कि प्राकृत कफ को क्या है शरीर में ओज, और विकृत मल में क्या है उसको पाप माना गया है। तो यहीं पे जो लास्ट लाइन है उसमें यही बोला गया है। ठीक है, तो ये भी नीचे एक्सप्लेनेशन वही किया गया है। और साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, तो उन्होंने बोल दिया कि सर्वम ही चेष्टा वातेन स प्राण प्राणी नाम समृता। ठीक है, तो उन्होंने लास्ट में वात की एक क्वालिटी बताते हुए उन्होंने बोला गया कि वात की भी एक क्या है, इसमें प्राकृत अवस्था और विकृत अवस्था देते हुए बोला गया है कि अगर जो प्राकृत अवस्था में अगर वो वात रहे तो उसमें क्या बोलते हैं कि प्राणों का क्या करता है, प्राणी नाम समृत है। ठीक है, तो याद रखना कि एक आता है प्राणी नाम समृत है, एक आ जाता है कि प्राणीन प्राण है। ठीक है, अगर देखो प्राण आगे आ जाए तो वो वायु के लिए बात है, अगर प्राणी नाम प्राण आ गया तो वो किसके लिए बात आ जाती है, तो वो रक्त के लिए बात आ जाती है। इसमें यही बोला गया कि जो वायु है वो क्या है, प्राणियों का प्राण है। ठीक है, वो तो प्राण वायु से याद रख लेना। ठीक है, इस तरह का जो हमारा चैप्टर है विद्रदी वाला, इसका चरक सूत्र 17, ठीक है, जिसमें हमने शिरोरोग पढ़े, हृदय रोग पढ़े, ठीक है, मन विकल्प रोग पढ़े, क्षय वृद्धि का कारण पढ़े, 18 प्रकार की क्षय पढ़े हमने, और उसके बाद हमने सप्त पीड़िकाएँ पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने गतियाँ पढ़ी। तो इस तरह क्या है, जो आपका चरक सूत्र जो 17 है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम है क्रियते शीर्ष अध्यायनम। ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट होता है। अब हम क्या है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।